डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, सेकंड पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और थर्ड पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो एक एक करके हम चलो सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले दिया है हमको 3 मोल्स ऑफ इथेन है, 3 मोल्स ऑफ इथेन, ठीक है। इथेन होता है हमारा C2H6। अब फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इथेन में देखें C2H6, ठीक है, इसका जो 1 मोल है, 1 मोल इथेन में 2 मोल कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ से हम देख सकते हैं C2, 2 कार्बन एटम्स 1 इथेन के मॉलिक्यूल में, तो 1 मोल इथेन में कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे। हमें दिया 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो ये हो गया 3 मोल C2H6 इथेन। इसमें कितने हो जाएंगे, 3 × 2 = 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो मतलब कि 3 मोल्स ऑफ इथेन में हमारे 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हो गए। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा 6 मोल्स, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं हम। सेकंड में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सेकंड में हमको पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब देखो इथेन 1 मोल C2H6 इथेन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 मोल्स एच एटम्स है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन में 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ इथेन में 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए। हमें क्वेश्चन में 3 मोल्स इथेन दिया है, 3 मोल्स C2H6, इसमें हो जाएगा 3 × 6 μ = 18 μ ऑफ एच एटम्स। तो हमारा आंसर हो गया 18 मोल्स, सेकेंड पार्ट का ये हो गया 18 मोल्स, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, थर्ड पार्ट है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ठीक है। हमको पता है 1 मोल में NA एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, NA मॉलिक्यूल्स, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमको क्वेश्चन में 3 मोल्स इथेन दिया है, तो 3 मोल्स इथेन विल कंटेन 3 × NA मॉलिक्यूल्स, तो ये हो जाएगा 3 × 6.022 × 10³। इसको फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 18.066 × 10³ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर, ये आ गया 18.066 × 10³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन होगा 18.066 × 10³। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा 18 मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स होगा 6 मोल्स इन 3 मोल्स ऑफ इथेन।